मैं राजीव बंसल, जब भी नगर परिषद का नाम लिया जाता है तो भ्रष्टाचार के सवालिया चिन्ह उन पर लगने लगते हैं। हमने एक पुराना मामला उजागर किया, उसकी शिकायत आई, लेकिन एक और मामला सामने आया है 2015 का, और उसमें जेई एमई और उसके एक संबंधित अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की रिपोर्ट आई है, यानी कि ठेकेदारों की पेमेंट ना करने पर। ये मामला है 2015 का। आइए जानते हैं संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नवल कुमार से कि ये क्या मामला है और क्या आदेश आए हैं इनके ऊपर मामला दर्ज करने के, और ये कौन है, किसने क्या करवाया। नवल जी नमस्कार। आप नमस्कार। हाँ, ये जी अपने अमित कौशिक एमई, हाँ, नगर परिषद हासी, और रमन कुमार, हाँ जी, जेई व प्रवीण कुमार जेई नगर परिषद हासी द्वारा, हाँ जी, श्याम सुंदर ठेकेदार, संदीप बंसल ठेकेदार, हाँ, प्रदीप यादव ठेकेदार से, हाँ, बिल पास करने के एवज में कमीशन लेने, हाँ जी, हाँ जी, ये अभियोग अंकित हुआ है। हाँ, और अब इसकी अपसरण बाला के आदेश के अनुसार, हाँ, इसकी आगामी तफ्तीश जारी की जाएगी। तफ्तीश जारी की जाएगी या इन पर मामला दर्ज किया जाएगा? मामला दर्ज हो चुका है। मामला दर्ज हो चुका है तीनों पर। तीनों पर दोबारा नाम दोहराएंगे कि एमई, हाँ जी, एमई का नाम एमई अमित कौशिक, हाँ, नगर परिषद हासी, हाँ, रमन कुमार जेई, हाँ, प्रवीण कुमार जेई, हाँ, नगर परिषद हासी, हाँ, इन तीनों के खिलाफ मामला दर्ज। ये मामला 2015 का है क्या? 2015 में ये अपने श्री श्याम सुंदर ठेकेदार, संदीप बंसल ठेकेदार, प्रदीप यादव ठेकेदार, इन्होंने अपने नगर परिषद की सरकार से टेंडर लिए थे, काम लिए था, काम करवाया था, और काम समय के ऊपर बता रहे हैं भाई हमने करवा दिया था, और उसके बिल पास करवाने के लिए पेमेंट के लिए उनके पास गए थे, वो उनसे कमीशन मांगा था, कमीशन की मांग की थी, मांग की दे भी दिया, हाँ, दे भी दिया। तो कौन से, यानी कि आप बताएं कि किसने इंक्वायरी की, उड़न दस्ते मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने की या किसने की है, विजिलेंस की इंक्वायरी हुई है? ये इसमें जी ये जो शिकायत थी, हाँ, ये शुरू में शिकायत ये अपने नंद किशोर पुत्र जगदीश जाति यादव गांव रामपुरा का एक अपना ठेकेदार है, और एक ये प्रदीप उत्तरण सिंह यादव निवासी मिलकपुर, ये गांव बुआणी खेड़ा, हाँ जी, हाँ जी, ये ठेकेदार थे, इन्होंने शिकायत की थी। किसको की थी? इन्होंने शिकायत शुरू में इन्होंने शिकायत करी थी ये अपने उप मुख्यमंत्री उड़न दस्ता को, अपने गुप्तचर विभाग को, गुप्तचर विभाग, हाँ जी, फिर इनकी गुप्त विभाग द्वारा इनकी जांच की गई, जांच के अंदर ये दोषी पाए गए। दोषियों के नाम एक बार और दोहरा दीजिए। दोषियों के नाम है ये एमई नगर परिषद अमित कौशिक, रमन कुमार जेई, प्रवीण कुमार जेई नगर परिषद हासी। कौन कौन सी धारा लगाई, धाराएं कौन कौन सी लगी हैं इन पर? धारा लगी है करप्शन एक्ट की धारा 7, 13 और 120 भी आईपीसी। कोई राउंड अप किया है के तहत मामला दर्ज हुआ है? अभी मामला दर्ज हुआ है, हाँ। आज मामला दर्ज हो गया, दर्ज हो गया। ये थे 2015 का मामला। 2015 के मामले में जब ठेकेदार ने नगर की गलियों का काम पूरा किया तो उसके बाद एमबी के लिए और पेमेंट के लिए एमई जेई और एक उसके संबंधित अधिकारी से पेमेंट के लिए आग्रह किया, तो लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं की। उसके बाद उड़न दस्ते को उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई, इंक्वायरी के बाद तीनों दोषी करार कर दिए गए हैं, नवल किशोर जी बता रहे हैं, और तीनों यानी कि अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, करप्शन का मामला दर्ज हो चुका है। इस तरह से नगर परिषद की जैसी पुरानी फाइलें उड़ रही हैं, ऐसे ऐसे मामले उजागर हो रहे हैं और सरकार उन पर संज्ञान ले रही है। देखते हैं कि ये अभियुक्त यानी कि ये आरोपी कब पुलिस के घेरे में आते हैं। फिलहाल जैसे कि नवल जी बता रहे हैं, इन पर तीनों पे विभिन्न करप्शन की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और इन्हें जल्द ही राउंड अप कर लिया जाएगा। उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार, हाँ जी, अब
गहन तहसील तफ्तीश अमल में लाई जाएगी और इनको राउंड अप किया जाएगा। इनको राउंड अप के लिए कोई टीमें भी बनाई हैं क्या? अभी अभियोग अंकित हुआ, अभियोग अंकित हुआ, एफआईआर लॉज हो गई होगी। धन्यवाद सर।